हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों यहाँ पे अगर आपके फ़ोन पर अगर आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को रिमूव कर देते हैं, यानी कि इस तरीके से आप लोग यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन से डिलीट हो जाता है। और अब आप लोग यहाँ पे उसको दोबारा से अपने फ़ोन में वापस लाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पे रिमूव हुए एप्लीकेशन को अपने फ़ोन पर वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे इस तरीके से रिमूव करते हैं, यहाँ से अगर आप लोग होम स्क्रीन से रिमूव करते हैं, तो वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन से डिलीट नहीं होता है, वो एप्लीकेशन आपके ऐप ड्रॉवर पे रहता है। तो यहाँ से आप लोग जो है इस एप्लीकेशन को सपोज यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ से नीचे की ओर ऐप ड्रॉवर में जाके मैं उस एप्लीकेशन को वापस से इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर ला सकता हूँ। बट दोस्तों यहाँ पर आपके फ़ोन में ऐप ड्रॉवर से भी वो एप्लीकेशन यहाँ पर डिलीट हो गया है, और यहाँ पे भी होम स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है, और फिर यहाँ पे आपको जो भी एप्लीकेशन आपने डिलीट कर दिए हैं उस एप्लीकेशन को आप लोग यहाँ पे सिंपली से सर्च कर दीजिए। तो आप लोग यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है उस एप्लीकेशन को आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे, तो आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता है, तो आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करके उस एप्लीकेशन को आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने फ़ोन में रिमूव हुए एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।